हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्यूशन के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, और सेकंड में भी हमने किए थे जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स थी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आज इन सभी पर बेस्ड हम मिक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल्स आप सब नोटबुक में लिख लो और साथ के साथ इनके नोट्स बना लो बहुत अच्छे तरीके से। ये ही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे 100%, इन्हीं में से न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। और याद रखना, ये सारे न्यूमेरिकल्स CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे स्पेशली ये CBSE बोर्ड की क्लास है। चलिए करते हैं भाई स्टार्ट, ठीक है। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml, डेंसिटी गिवन है आपको 1.1 ग्राम पर ml, तो आपको बतानी है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। चलिए करते हैं बेटा। गिवन क्या क्या है बेटा हमें? मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का मास गिवन है हमें, कितना गिवन है? 11 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 11 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 11 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 500 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। तो हमें मास दे रखा है ऑक्सैलिक एसिड का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो सॉल्यूशन के मास से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो यहाँ पर मास परसेंटेज निकालना है मुझे अगर ऑक्सैलिक एसिड का, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के मास को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो इससे पहले निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा एक रिलेशन होता है डेंसिटी में और मास में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम इज 500 ml। तो ml से ml कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1.1 × 500 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालना है आपको, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो गिवन ही है 11 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.1 × 500, मल्टीप्लाई किससे करनी है इसकी 100 से। तो चलो बेटा करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 11 से 11 कैंसिल, 5 × 10 2%। तो इस सॉल्यूशन का अगर मैं 100 ग्राम ले लूँ पूरा का पूरा, तो उसमें 2 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है और बाकी 98 ग्राम वाटर है, जिसका भी सॉल्यूशन इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर टू इज 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है, आर डिसॉल्वड इन वाटर एंड देन सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है, इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ये मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है, ऐसा होता है कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर इसने डाल लिया 2.46 ग्राम NaOH, और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यहाँ पर जो लेवल लगा हुआ है वो है 100 ml का, और ये सॉल्यूशन बना लिया 100 ml सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है इसकी मोलैरिटी बताओ भाई, व्हाट इज द मोलैरिटी, मैं लिखूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन, तो गिवन चीजें हैं आपकी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ NaOH, NaOH का मास कितना गिवन है 2.46 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH ये भी गिवन है 40 ग्राम पर मोल, वैसे ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना बना लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml लिख लो, कोई बात नहीं की बात है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने इसका तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताया था, सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड, तो 20 से 20 कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल, 2.46 डिवाइडेड बाय 4, 0.61, आंसर ये है मोलैरिटी। क्लियर है बेटा, आई होप क्लियर होगा आप सभी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मैं सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको इजीली मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो भाई ट्राई करो इसे, कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, तो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट है 20.7 डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास गिवन, वॉल्यूम गिवन है 500 ml, डेंसिटी गिवन है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल लोगे आप, सॉल्यूशन का जब मास निकल जाएगा तो उसमें सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे, सॉल्वेंट के मास को डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। चलो बेटा करते हैं, तो गिवन क्या है, मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का मास कितना गिवन है 20.7 ग्राम, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, डाउट मुझे पता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो मोलैलिटी एक्चुअली में होती क्या है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, ये तो निकल जाएगा, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट ओनली। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 500 ml, डेंसिटी क्या है 1 g/ml, तो कितना आ जाएगा इसका मास 500 g। सॉल्यूशन का मास है 500 g, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मास में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास कितना है 20.7 g, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 579.3 g, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आपको निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये आ जाएगा 39 × 2 = 78 = 1248, तो ये आ जाएगा 90 and 138 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 579.3। अब इसे डिवाइड करो 1000 से, क्योंकि इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 20.7 × 1000 / 138 × 579.3। इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना m आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कंटेंट इतना बेटर है, बेटर नहीं बेस्ट है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे स्पेशली तैयारी अगर कर रहे हैं तो मेरे पास करो आप, और कहीं मत करो, ठीक है। बाकी सब आपको कोर्स बेचेंगे और दुनिया भर के आपको उल्टे सीधे गाइड करेंगे। तो आप जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो भी लेक्चर्स में ले रहा हूँ, ये लेते रहे बस, ये इज मोर देन सफिशियंट है। चलो आ जाओ आगे, भाई एक बार ट्राई करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2.5 g ऑफ इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है, इज डिसॉल्व्ड इन 75 g ऑफ बेंजीन, 75 g बेंजीन में डिसॉल्व्ड है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज दे रखी है। सो मास ऑफ इथेनोइक एसिड, कितना है इथेनोइक एसिड का मास, 2.5 g। अब मोलैलिटी निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलर मास इसका होता है 60 g/mol, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है, कितना दे रखा है 75 g, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा 75 / 1000 किलोग्राम, सिंप्लीफाई कर लो 3/40 kg, 48, ठीक है। अब निकालिए मोलैलिटी। सो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास, कितना है 60 / 3/40, तो ये आ जाएगा 2.5 × 40/3 × 60, ठीक है। तो सॉल्व कर लो यार, इसे फोर्सेस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10, और इसमें करोगे ये आ जाएगा
18, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 m अप्रोक्सीमेटली। चलो भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। यार क्वेश्चन इतने सारे हैं कि मैं सारे करता चला जाऊंगा, एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन है ना आप अगर सच्चे शिष्य हो ना किसी भी गुरु के, या अपने पेरेंट्स के सच्चे अच्छे बच्चे हो, अच्छे बेटे हो, अच्छे बेटी हो, तो सारे क्वेश्चंस को अपने आप वन बाय वन, जैसे ही मैंने वीडियो में क्वेश्चन लगाया, आप सबसे पहले पॉज करके उस क्वेश्चन का खुद करके देखो। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उसे फिर जैसे मैंने सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन जब चेक करो। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ और क्वेश्चन करके जा रहा हूँ, आप वीडियो देखकर टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं करना बेटा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी बहुत मेहनत करो मेरे साथ। मेरा ये ड्रीम था जो मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, ये मेरा ड्रीम था कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकूँ, ठीक है, और अभी भी मैं इतना कैपेबल नहीं हुआ हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैं आपको रियलिटी में बताऊँ तो मैंने है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों के टीचर्स को हायर किया था, लेकिन सैलरी की इशू की वजह से तो कुछ टीचर्स, फिजिक्स के टीचर्स को फिर मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हर चीज़ इंसान के फेवर में हमेशा नहीं रहती, लेकिन हमें कभी भी परिस्थितियों से झुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, मेहनत करते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। परिस्थितियाँ आपको कभी तोड़ ना पाए, ऐसे बनो। तो जैसे ही अभी मैं आपके सामने हंस के दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कितनी बुरी स्थिति है आप समझ सकते हो। मैंने पूरा का पूरा सेटअप लगाया सिर्फ इस वजह से कि टीचर्स मेरे पास आके पढ़ाएंगे, और टीचर्स ने फिर मना कर दिया, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ भगवान जो करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। अब जो मेरे पास और कोई टीचर मुझे मिलेंगे तो शायद वो बहुत अच्छे मिलेंगे, तो मैं यही मान के चलता हूँ। जब तक आप केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और बायोलॉजी की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और फिजिक्स वालों ने मेरे साथ गड़बड़ कर दिया यार। चलो बेटा देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, ठीक है यार, कलर चेंज करें करते हैं भाई। यार एक चीज बता नहीं रह गई आपको, वो बता दूं मैं, ठीक है, वो बात ये है कि अगर आपको परसेंटेज कहीं गिवन हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है, जैसे मान लो आपको गिवन है, दोबारा से आ जाएंगे हम उस क्वेश्चन पे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, सपोज करो आपको लिख दिया 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो जब कभी भी परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हो तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, मतलब करना तो है, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर भी वेट लेना है और नीचे भी वेट लेना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट ग्लूकोज मींस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10% को फ्रैक्शन में लिखो, 10 बाय 100, 100 होता है नीचे पूरा का पूरा सॉल्यूशन और ये होता है हमेशा सॉल्यूट, तो 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का मतलब सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज, तो 10 कौन हो जाएगा ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब तो यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कितने वाटर में डिजॉल्व है, तो आप ये भी लिख सकते हो
10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर। तो सॉल्यूशन लोगे तो 100 और वाटर लूंगा तो मैं 90 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम तो ग्लूकोज हो गया, वाटर कितना बचेगा सॉल्यूशन के, 100 ग्राम में से 10 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 90 ग्राम वाटर। तो इन तीनों का एक ही मतलब है। अब ऐसे ही एक और चीज होती है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया, इसका मतलब यह है 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन, तो देखो ऊपर वेट है तो ये मैंने ग्राम में ले लिया, नीचे वॉल्यूम है 100, नीचे यहाँ पे इस बार ग्राम नहीं लोगे 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन, और इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब आ जाओ भाई अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है? कितने हो गए थे क्वेश्चन, इस पर आ रहे थे हम। यार वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जानी चाहिए, कभी तुम छोड़ के चले जाओ कि सर जी तो बहुत लेंदी लेंदी वीडियोस बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बनाएंगे। चलो बेटा 20% C2H6O2 means 20 ग्राम C2H6O2 dissolved in, क्या पूछा है? मोलैलिटी पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो अलग अलग कर लेता हूँ। डिजोल्व इन 80 ग्राम वाटर, मैंने सॉल्वेंट का मास लिख लिया यहाँ पर। आप ऐसे भी लिख सकते थे 100 ग्राम सॉल्यूशन, लेकिन मैंने वाटर के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, इसी से मिल गया 20 मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास है 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट C2H6O2 20 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 80, मोलर मास क्या है 18, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4O2 24, 28 एंड 32, 60 आ जाएगा, 60। तो ये आ जाएगा 20/60 मोल्स, आगे नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल को निकालने के लिए क्या करोगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। आप वैल्यू पुट कर देना, कर लेना, ठीक है? मैं आप क्वेश्चंस बना बना के दे रहा हूँ जिससे कि जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आज, ठीक है? कभी फिर मुझे कहो कि सर ये क्वेश्चन रह गए, 15-16 क्वेश्चन है, थक जाएंगे करते करते भी। चलो भाई देखो, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH2 इंटू 2H2O, और इसको वैसे भी लिख सकता हूँ मैं C2O4H2 भी लिख सकता हूँ इंटू 2H2O, ठीक है? तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा है 35.5 ग्राम। मोलर मास इसका निकाल लेना, इसका मोलर मास आएगा मेरे प्यारे बच्चों 126 ग्राम पर मोल, ठीक है? अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका वॉल्यूम है 1250 ml। तो नॉर्मेलिटी निकालनी है इस बार, नॉर्मेलिटी क्या, तो नॉर्मेलिटी निकाल लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो गिवन मास कितना है 31.5, इक्विवेलेंट मास तो ऑक्सैलिक एसिड में दो हाइड्रोजन आयन होंगे, तो इसको डिवाइड कर देना आप 126 को 2 से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 63 इसका इक्विवेलेंट मास है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो ये आ जाएगा 1250 लीटर में कन्वर्ट कर दो बाय डिवाइडिंग 1000, तो ये जो आएगा इसके नॉर्मेलिटी कर लेना ऐसा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन ऑफ 25% वाटर 25% इथेनॉल 50% एसिटिक एसिड बाय मास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में तीनों चीजें, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पागल मान रहे हैं हमें तो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मन के सच्चो, ए सॉल्यूशन इज 25% वाटर 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड। एक ही सॉल्यूशन है ये तीनों, ठीक है, तीनों ही एक ही सॉल्यूशन है ये। तीनों एक ही सॉल्यूशन है। अब तो फिर नीचे आ गया, ऊपर भेजने में लग रहे नीचे आ रहा। चलो भाई, जब तीनों एक ही सॉल्यूशन है और इसमें पूरा का पूरा यह है 100 ग्राम का, ठीक है। अब इसमें 25% वाटर है, मतलब 25 ग्राम वाटर 25% इथेनॉल है, 25 ग्राम इथेनॉल 50% एसिटिक एसिड है, तो 50 ग्राम एसिटिक एसिड। अरे मोल फ्रैक्शन निकाल, ओ भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा अभी से यार, तो चलो बस थोड़ा सा मोल्स निकाल के दे देता हूँ, तो मैं कभी आपको के सर जी ने करा नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास अपॉन मोलर मास 25/18, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल गिवन मास अपॉन मोलर मास 25/मोलर मास होता है इसका 46, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड 50/मोलर मास होता है इसका 60। तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन तीनों का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन पहले वाटर का निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस तीनों के मोल्स ऐड कर दो, वाटर के भी मोल्स ऐड कर दो, इथेनॉल के भी मोल्स ऐड कर दो, एसिटिक एसिड के भी मोल्स ऐड कर दो। तो इसको सॉल्व करके यहाँ रख देना, तीनों के सॉल्व करके ऐड कर देना, ये आ जाएगा तीनों के अलग अलग निकाल लेना। फिर इथेनॉल का ऊपर रखना, तीनों के ऐड से भाग कर देना, फिर एक बार तीनों का ऐड कर देना निकाल के, एक एक बार करके उठा के रखते रहना, ठीक है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2m सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.91, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.91 किलोग्राम पर लीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2m सॉल्यूशन है, मोलैलिटी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है और मोलर मास दे रखा है मिथेनॉल का, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स। अबे यार कर सकते हो तुम भाई, कर सकते हो यार, कर लो भाई, कर लो कुछ तो कर लो। चलो भाई करते हैं, मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालने हैं, मतलब एन निकालना है। तो मैं एन क्या है, तो गिवन क्या है, वॉल्यूम 5 लीटर। मैं थोड़े जल्दी जल्दी कर रहा हूँ शॉर्ट करके, आपको हिंट मिल रही है। मोलैलिटी 2m, डेंसिटी 0.981 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। बस मोलर मास तो पता ही है हमें, तो मोलर मास कितना है इसका 32 ग्राम पर मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपके एक चीज़ सिखाई थी, क्या कर मुझे सॉल्यूशन
क्योंकि मोलैलिटी में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल के सॉल्यूट के निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो करें भाई, चलो करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी है 0.981, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, सॉरी मास आ गया, सॉरी ग्राम किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम पर लीटर है और वो लीटर है। जब सॉल्यूशन का मास आ गया तो मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी 2m, 2 नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, तो मीथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मास थोड़ी ना पूछा है जो इसने मोलर मास दे रखा, पागल बनाने के लिए दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है यहाँ पर, सॉल्वेंट का मास देख लो भाई, सॉल्वेंट का मास अप्रोक्सीमेट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसके बहुत कम है, मास बहुत कम है, तो इसे 4.905 नियरली लिख सकता हूँ मैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 10, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल वैन, इसे तो मैं यही कर दूंगा, इसे तो कोई जरूरत ही नहीं है छेड़ने की। तो मास परसेंटेज निकालना है एस्पिरिन का, एस्पिरिन का फॉर्मूला दे रखा है, मुझे फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, मास की जरूरत है। तो मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू मास ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का मास क्या है, एस्पिरिन का मास है 6.5 ग्राम, और ये एसिटोनाइट्राइल का कितना है, एसिटोनाइट्राइल का है 450, तो 450 और 6, तो ये आ जाएगा 456.5 टोटल सॉल्यूशन का मल्टीप्लाइड बाय 100, कर लेना सॉल्व, ये आ जाएगा मास परसेंटेज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैं अलग से कराने वाला था। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 10 पे आ गए, वीडियो कितनी बड़ी हो गई, चलो कर देंगे खत्म ऐसे ही। तो ए सॉल्यूशन भाई, इसे कराता हूँ मैं ढंग से, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये आया हुआ है CBSE। अब तो कहाँ जा रहा भाई यार, इधर उधर मत जाओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में 2017, 2018, 2019। चलो ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज, तो भाई मेरे पास ये है वाटर का ग्लूकोज का सॉल्यूशन, और इस पर लिखा हुआ है 10% बाय मास का मतलब होता है वेट बाय वेट, ठीक है। अब बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, यार दो दो चीज निकालनी है, डेंसिटी दे रखे 1.2 ग्राम पर ml, तो सबसे पहले निकालता हूं मैं, तो पहले लिख दू 10% ग्लूकोज, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज मींस 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और आप ये भी लिख सकते हो 10 ग्राम ग्लूकोज वॉज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम वाटर, ठीक है, एक ही बात है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों। तो एक तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो मास ऑफ ग्लूकोज आ गया 10 ग्राम,
मास ऑफ वाटर आ गया या मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 80 ग्राम, या 10 है ना, 90 ग्राम आ गया, मैं 20 समझ रहा था, 90 ग्राम कितना आ जाएगा जब ये 10 है तो 90 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, दे भी रखा होगा इसने वैसे, ना भी ये रखा होगा तो 180 होता है ग्लूकोज का मोलर मास, 180, ठीक है। तो दे रखा वो तो दे रखा, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो करें इसे ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा चले जाओ, चले जाओ, ओ वाई चले गए, ठीक है। चलो बेटा करते हैं, अब पहले करेंगे हम मोलैलिटी, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी नहीं दे रखी, मतलब डेंसिटी की जरूरत नहीं है। मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास अपॉन मोलर मास कितना है, 180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 90 अपॉन, डिवाइड करो 1000 से, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1000, 180 इंटू 90, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 100 अपॉन 162, तो 0.61 एम, ये आ गई मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी पे आ जाओ, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे 10 अपॉन 180। अब वॉल्यूम हमारे पास नहीं है सॉल्यूशन का, हमारे पास है सॉल्यूशन का मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इतना है, मास ऑफ ग्लूकोज इतना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम, तो इससे निकाल लेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटू सॉरी मास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, हमें तो वॉल्यूम चाहिए, मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है सॉल्यूशन का 100, भाई 90 वाटर है, 10 ग्लूकोज है, 100 डेंसिटी इसकी क्वेश्चन में दे रखी थी 1.2, तो ये आ गए इतना ml, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी आ गई इसकी, भाई उधर को जा एक मिनट, जाता नहीं है ये, इक्वल टू 100 अपॉन 1.2, 1000 से डिवाइड कर दो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/12 लीटर, 1/12 ऊपर जाएगा तो 120 अपॉन 180, इससे ये कैंसिल, 0.66 m, 0.66 m। कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 15%, तो इसमें मास ऑफ H2SO4 आपको दे दिया इसने 15 ग्राम बाय वेट, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, तो कैलकुलेट करो मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोलैलिटी तीनों चीज करनी है, तो इसमें एक चीज और है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा इससे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 100 में से 15 कम कर दो 85 ग्राम। अब तीन चीज निकालनी है, अरे बड़ा सिंपल है यार, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मोल्स, मोल्स कितने हैं, मोलैलिटी पहला कर देता हूं मैं, मोल्स मास अपॉन मोलर मास 98 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 90, ऐसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, ये तो आ गया भैया मोलैलिटी। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें पहले निकाल लेना आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा मास अपॉन डेंसिटी, तो उसके बाद निकाल लेना, और नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है इसका 49, इक्विवेलेंट वेट होता है इसका 49, कर लेना बेटा हो जाएगा ये। शुगर सिरप ऑफ वेट कितने रह गए, 3-4 क्वेश्चन रह गए,
और मैं ऐप पर डाल दूंगा ये सारे क्वेश्चंस, आप कर लेना एक बार, ठीक है। इस शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट मोलल कंसंट्रेशन, मतलब मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सिरप। तो शुगर सिरप इतना है और इतनी इसमें चीनी है, तो मास ऑफ शुगर 34.2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भाई 214.2 पूरा सॉल्यूशन है और इसमें 34.2 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो बस मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स, मतलब मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है शुगर का, 34.2 अपॉन मोलर मास शुगर का होता है 342 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 180 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो 1000। अब इसे सॉल्व कर लेना आंसर। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों के मोल्स निकाल लेना और एक के मोल्स को दोनों के मोल्स के जोड़ के डिवाइड कर देना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 एम एक्वस सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का 2.5 एम एक्वस सॉल्यूशन है तो बहुत ईजी है। इससे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स 2.5 एम का मतलब पता है क्या होता है, 2.5 एम का मतलब होता है 2.5 एम मीन्स टू पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स आ गए और क्या नाम है, 1 किलोग्राम हमारा सॉल्वेंट आ गया, तो सॉल्वेंट के मोल्स और निकाल लो, तो सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे, वाटर है सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन है ना ये रहा, तो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, तो ये आ जाएगा 55.5 मोल्स। तो मोल्स सॉल्यूट के ये और इसके ये रहे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 55.5 और 2.5, ये हो जाएगा 56 एंड 58, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय वेट, डेंसिटी इतनी है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम V2 1 लीटर, ये हो जाएगी मोलैरिटी 0.2 m, ठीक है। और 80% H2SO4 से V1 आपको फाइंड आउट करना है, 80% H2SO4 से M1 निकाल लेना तुम, M1 क्या होता है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 80% है तो 80/98 इसका हो जाएगा मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 और डिवाइड कर देना इसको 1000 से, ठीक है। तो ये दो जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 800/98, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है M1V1=M2V2, यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन, द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। 15 ppm बाय मास का मतलब क्या है, 15 ppm बाय मास मीन्स 10^15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम सॉल्यूशन, ये सैंपल। तो अब इसमें तुम्हें निकालना है मास परसेंटेज में निकालो उसे और उसकी मोलैलिटी निकालो, यार बहुत ज़्यादा सिंपल है। मास परसेंटेज 10^6 ग्राम में कितना है, वो 15 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना आ जाएगा, 15/10^6 100%, कितना आ जाएगा 15 × 10^-4 परसेंट। मोलैलिटी निकालनी है तो मास कितना है, 15
अपॉन मोलर मास इसका आ जाएगा 119.5, देख लेना कैलकुलेट करके, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो ऐसे ही याद है। और उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये बहुत ज़्यादा है, इसमें 10^6 में से मास ऑफ सॉलिड 15 कम करूँगा, नियर अबाउट सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 1000, किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बचेगा आपका 15 × 10^3 अपॉन 120 ले लेता हूँ इसे अप्रोक्सीमेटली 10^6, तो -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/8, तो 1/8 × 10^-3। हाउ मैनी ml? यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके बार, इस बार, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए और ये NCERT का क्वेश्चन है और इसे मैं ट्रिक से कराऊंगा, अगर आप बुक से करोगे आप कभी नहीं कर पाओगे, इसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन कितने रहेगा ये देख लेता हूँ, बस भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब करा देता हूँ यार, चलो। तो हाउ मेनी एम एल ऑफ एन 0.1 HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है। अब यही कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ही चला गया। अरे भाई यही तो फायदा है इसका भाई, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए खर्चा कराए, यही तो फायदा, जिससे मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, मेरे बच्चे मेरे सब कुछ है। अब देख लो क्वेश्चन चला गया था भाई, अब फिर आ गया है, बच्चे परेशान हो जाते हैं यार। क्वेश्चन हाउ मैनी ml, तो तुम्हें निकालना है वॉल्यूम, ये मना कर रहा है इससे ज़्यादा बड़ा होने के लिए, कोई बात नहीं इतने कर देंगे हम। हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2, इन दोनों के इक्विमोलर अमाउंट का मिक्सचर है 1 ग्राम, तो अब ये बताओ मुझे Na2CO3 की अगर रिएक्शन करूँगा कम्प्लीटली तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, तो इसके 2 moles रिएक्ट करेंगे, कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगे जब, और NaHCO3 के कितने moles रिएक्ट करेंगे, HCl 1 moles, NaCl प्लस CO2 प्लस HCl, तो इट इज क्लियरली सीन दैट मिक्सचर ऑफ Na2CO3 प्लस NaHCO3 रिएक्ट्स विद 3 moles ऑफ HCl, भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूंगा, वॉल्यूम पूछा हुआ है उसने, ठीक है, और मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल लूंगा यहाँ से और वॉल्यूम आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी, तो वॉल्यूम निकल जाएगा भाई, ml में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो Na2CO3 का मोलर मास होता है 106 ग्राम और NaHCO3 का होता है 23, 24, 36 एंड 48, ग्राम रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 3 moles ऑफ HCl, तो इन दोनों का सम करोगे तो 190 ग्राम मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 3 moles HCl, तो 1 ग्राम मिक्सचर रिएक्ट करेगा कितने के साथ, 3/190 moles, तो 3/190 moles के साथ रिएक्ट करेगा, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 3/190, मोलैरिटी कितनी है इसकी,
0.1 m, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/190 × 0.1, तो ये आ जाएगा 3/19, तो ये आ जाएगा भाई 0.157.2, और ये है तुम्हारा लीटर में, ml में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 157.2 अप्रोक्स ml, कर लेना। तो आज की क्लास को बेटा इतने रखते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, फिफ्थ लेक्चर में हम मिलते हैं, और उसमें करेंगे हम न्यू टॉपिक सोल्यूबिलिटी, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर अच्छे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और बेटा एक बात और, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए वो सब कर सकूँ जो कि मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।